वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे चैनल आपका स्वागत है, यीशु ब्लॉग 19 में। तो गाइस, अभी हूँ मैं जस्ट मेट्रो स्टेशन और मेट्रो का वेट कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ कनॉट प्लेस। तो मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं और मैं इनको बोला था 4 बजे आऊँगी, बट 4 से 6 बजे। मैं मतलब अपनी ज़िंदगी में लेट ही हूँ। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। और वीडियो में बने रहना, बिना स्किप करो पूरी वीडियो। देख सकते हो सिर्फ में कितनी मेट्रो स्टेशन में भीड़ हो रही है और यहाँ पे कुछ सीन भी हो रहा है, बट हम लोग बाहर निकल रहे हैं और मुझे थोड़ा सा और टाइम लग गया। एक अंकल थे और एक लेडी थी, वो अपने हस्बैंड के साथ थी। तो लेडी ने ना उन अंकल को थप्पड़ मार दिया। वे लोग थे, वो बोलने लग गए, भाई तूने इसको थप्पड़ क्यों मारा अंकल को, तो दिखता नहीं है कि एजेड वगैरह है वो अंकल। और वो अंकल ना बोल रहे थे कि बेटा मैंने करा क्या है, मुझे बता तो सही। वो बोल रहे कि भीड़ में ना तूने मुझे टच करा है। तो वो अंकल मतलब बेटा बेटा कर रहे कि तू बेटा है, तू मेरे बच्चे जैसा, मैं क्यों करूँगा ऐसा। और वो अंकल ना मासूम भी लगते, जो तेज बंदा होता है ना वो फेस से दिख जाता है, मतलब जो मासूम बंदा होता है ना वो भी दिख जाता है, ठीक है। तो मैंने अंकल को बोला कि मैंने फिर उस लेडी को बोला, मैंने बोला आपकी गलत बात है, चलो उन्होंने करा भी, बट आप मुँह से गाली दे दो आपको लगता है, बट आपको ऐसे अंकल को मतलब मेट्रो में जिस ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, मेट्रो स्टेशन पर, राजीव चौक पर। तो फिर उसके बाद वहाँ पे सब लोग खड़े इकट्ठे वगैरह हो गए। तो मैंने बोला ये चीज़ बहुत गलत है, आप लेडी हो तो मतलब आप ऐसा फ़ायदा मत उठाओ कि आप ऐसे थप्पड़ मार दोगे ऐसा वैसा। तो फिर वो बोलने लग गई कि तेरे को फंसा दूँगी ऐसा वैसा, निकल ले यहाँ से। तो मैंने बोला आप ढंग से तमीज़ से बात करो अंकल से, वो आपके पापा की एज के हैं। तो यार मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है, ये बताना वीडियो के से कि आप लड़की हो ना तो प्लीज़ मैं भी लड़की हूँ, बट किसी चीज़ का ना फ़ायदा मत उठाओ, ठीक है। मतलब आप एक कानून का फ़ायदा मत उठाओ। हाँ, लड़कियों को सपोर्ट करती है वो उनके लिए जो लड़कियों के साथ हकीकत में गलत हो रहा है, और जिनके साथ गलत नहीं हो रहा ना वो फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का। तो चलो मैं बता दी आपको कहानी, और नहीं समझ आई तो कमेंट कर लेना, मैं फिर से बताऊँगी। मैं राजीव चौक पहुँच चुकी हूँ, सॉरी 12 खंबा। गाइस मैं सीपी आ चुकी हूँ और इधर मुझे मिली है तानी। हेलो दोस्तों, मैं काली लग रही हूँ, पर मैं काली हूँ नहीं, मैं बहुत गोरी हूँ, इसलिए लाइट नहीं जला रखी। तो गाइस अभी ना मतलब मैं तानी को बोलती हूँ क्या लगाया था बचपन में, और यहाँ इन्हें लाइट लगा दी, देखो लाइट मारी है, सॉरी लाइट लगाई थी हमने बचपन में, तो इसलिए हम गोरे हो गए। मुझे ऐसा लगता है रियल में तानी को देखोगे ना कि इसकी मम्मी ने ना बचपन में दूसरे दिलाया है, है ना तानी? केसर सस्ती थी उस टाइम। ये कह रहे केसर सस्ती थी, सच बात है तानी? इतनी सस्ती थी कि इसके पापा को मिल नहीं पाई है, तब भी काला तो काला ही रह गया। मुझसे बोल रहा था इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, अभी मुंह धोकर आता कैटरीना कैसे मिलना कभी जाके। तो गाइस तानी की पर्स, अरे आज तुम्हें मैं अंकुश का सीन बताती हूँ। अभी ना अंकुश से अंकुश मेरे पीछे आई से पूछे से भाइयों, एक ऐसी मशीन आ गई पता, एक लोंडिया से मैं मिला, मैं नहाए, मैंने नए लगते ले यू 500 रुपए की यूली, अरे सॉरी रेट नहीं बताऊंगा फिर तुम वो करोगे, मैंने नए कपड़े लिए, वो गई एक लड़की मिल आ रही थी मुझसे, बहुत कंटास मस्ती फोटो देख कर रात भर नींद नहीं आई मुझे, मुझे लड़की मिल गई वीडियो के लिए, पता वहाँ का क्या हुआ, भगवान कसम तब से उल्टी की 5 गोली खा चुका हूँ, इतनी उल्टी भाई वीडियो मुझे। फोटो में इतनी सुंदर ऐसे कल, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, लेकिन फिटने फिल्टर की वो सामने आई तो मैं पहली बार उसको पहचान नहीं पाई, और उसकी आंखों से लग रहा था कि उसने ना नशा कर रखा है, उसके घर वाले नहीं पहचान पाएंगे उसे, ऐसे ऐसे कर रही थी बेटा मुंह एक्टिंग अच्छी कर रही है तानी, जो एक्टिंग में समझ आए ला सकते हो। हाय गाइस, कोई कास्टिंग डायरेक्टर देख ले तो डीएम करना मुझे। तो गाइस मतलब तानी को इतना याद आ रही थी मुझे, 2 दिन से तानी की गली में, हमें बहुत याद आ रही थी, मतलब एक दूसरे की हम सोचे कि दोनों एक साथ घर में, मैं इसको हर एक घंटे में फोन कर रही थी, तो अब मैं इसको बोल रही थी कि एक काम करते हैं बड़ा फ्लैट ले लेते हैं, हाँ। साथ में ही रहते हैं, फिर तेरे को मेरी याद नहीं आई। बहुत याद आ रही थी गाइस, मैं मतलब जब तानी मेरे घर से गई थी ना, मैं एडिटिंग करने बैठी और मेरा मन नहीं लग रहा था, फिर मेरा सीट भी आके नहीं लग रहा, मैं इसको 3 दिन से लगातार फोन कर रही हूँ, रिशु आ जा, तानी कल लगातार कॉल करी नीशु आज, अब अगर देव की तबीयत खराब थी इस वजह से मैं आ नहीं पाई थी, बट आज मैंने बोला शूट करूँ ना करूँ पर जरूर जाऊँगी सीपी तानी से मिलने। तो यहाँ पे अमित बहुत बिजी है,
बहुत ज्यादा बिजी है। हमें तो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं शूट करके। फाइनली हमने शूट कर लिया है और आज सोचोगे तानी को कोई कोविड तो नहीं कोविड तो नहीं हो गया, बट तानी की फैन फॉलोइंग से इस वजह से तानी को कोई देख ना ले, इसलिए तानी ने मास्क लगाया है ना। ये अमित ने मेरा पर्दा करा रखा है लोगों से, मतलब तानी मास्क हटाई थी ना, दो दो मिनट में हर कोई आता रहता है ना। हाँ, पहचान लेते हैं लोग। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और घर पे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मैं उतर गई हूँ राजन द प्लेस और देव मेरा नीचे वेट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, और टाइम हो रहा है 9:30 बज चुके हैं और काफ़ी लेट हो गया है, तो अब नीचे मिलते थोड़ी सी देर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, और ये नेक्स्ट डे है और कल वाला व्लॉग मैंने कंप्लीट नहीं करा, उस चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा और मूड बहुत ऑफ था मेरा, क्योंकि मैंने दीपिका को बुलाया था शूट के लिए और वो आके चली गई जब तक मैं पहुँच गई, क्योंकि मेरे पास एक बहुत प्यारा कंटेंट था वैलेंटाइन डे पे जो शूट नहीं हुआ। चलो भाई, और पानी वगैरह वेट कर रहे हैं मेरा, हमें काफ़ी लेट हो गई हूँ, हम लोग शाम को ही आते हैं 6 बजे इस वजह से, और सीप ये देख सकते हो थोड़ा बहुत खाली लग रहा है समझ, और हम जा रहे हैं 12 खंबा, तो मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस ये आपका नाम? फैजान। फैजान, तो फैजान बहुत दिन बाद मिला है ना, हमने मिलता रहता हूँ, झूठ बोल रही है यार, हमने प्रैंक शूट भी किया है ना फैजान। GFC वाले भैया, इनकी वाइफ किसने इनको पकड़ेगी यहाँ सीपी में, मुझे ये बताओ। हाँ, पकड़ेगी, दिखा ना, दो भाई ये लड़की, ये लड़के से, मैं लड़के से बहुत बात कर रहे हैं, तो पकड़ेंगे 200% पकड़ेंगे भाई। मैं भी सोच रही हूँ इनकी बीवी पता नहीं किस दिन पकड़ेगी इनको, सीबी में घूमते रहते हैं ऐसी। काम धंधा है, छोड़ दिया काम धंधा, लग रहा है क्या? काम छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया। ये देखो कपड़े अपने संभाल रहे है, समझ गए कपड़े। हाँ बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं आज रियल में ना बहुत अच्छा लग रहा है। शादी वादी का हाँ, और तुम्हारे ऊपर ना ये जच रहा है, तुम्हारी शादी में यही इसी इस तरीके की शेरवानी ले ली। ये कलर कौन सा है, कलर कौन सा नीचे? ये ग्रीन है, ग्रीन भी ना यार, ग्रीन है, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट भाई यही वाली शेरवानी, इस टाइप की शेरवानी लेंगे मैं तो अपनी, इसमें व्हाइट लूंगा भाई, व्हाइट अच्छी लगेगी, क्रीम कलर की। और आप कौन से लोग हैं एचएफसी वाले भैया? मैं धोती कुर्ता, धोती कुर्ता सफेद कलर, चलो बढ़िया। वहाँ भी मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, सब जानता है मेरे को सीपी में जो बंदा है। मैं नहीं जानता तेरे को, तू कौन है? हैं कौन है तू? मैं नहीं जानता। अरे झूठ बोलने में एक हद होती है, तुम्हें मत सुनो सुनो, पूरे मेरे व्लॉग में है कि तुम मेरे साथ घूमते थे पहले वीडियोस में, है वीडियोस में आते रहते थे। वाइफ का कॉल आ रहा है गाइस, और देखो हाँ जा रहे हो क्या तुम, जा रहे हो इतनी जल्दी नेताजी पे जा रहे हो? तो तुम्हारा क्या शूट करोगे? शूट करूंगा यार। क्या शूट कर रहे हो? क्या शूट है तुम्हारा? वीडियोस वगैरह बनाऊंगा यार, कब बनाऊंगा निकाल। आज सना को इतने सारे गिफ्ट मिले हैं आज तो, हाँ हाँ। अच्छा वैसे तुमने बताया नहीं क्या क्या मिला गिफ्ट? मैंने खुद नहीं ओपन करे अभी, कुछ तो बहुत होएगा ठाकुर। हाँ आज ये देखेंगे भाई घर में जाकर। मैं इनके बर्थडे, जो इनके बर्थडे का व्लॉग था ना मैंने देखा था, गिफ्ट्स वाला, और गिफ्ट्स वाला तो मैंने जरूर देखा था। कौन सा? जो तुम्हारे बर्थडे का था, जिनको वैलेंटाइन डे पे आज इतना प्यारा गिफ्ट मिला है, इतना प्यारा गिफ्ट मिला है आज वैलेंटाइन डे, और हम ठल्ले, हमें कुछ नहीं मिला। ये देखो बाय। ओ गाइस मैं फ्री हो गई हूँ, फ्री नहीं हुई हूँ अभी, मैं यहाँ पे घूम रही हूँ रोज के चक्कर में अंकुश के साथ, क्योंकि रोज चाहिए मुझे शूट के लिए, और अंकुश बता रहे हैं यहाँ पे पता है उसको कहाँ मिलेगा रोज। हमारे बाप दादा की तो बगीचा है यहाँ पे, जो गुलाब का लगा रखा, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहने में। यार यहाँ पे रोज मिल जाते थे, बट आज नहीं मिले, क्योंकि मेरा कंटेंट है बहुत प्यारा कंटेंट है, तो वो बनाना है मुझे,
और ये कह रहे हैं मेरे पापा की तो यहाँ पे वो नहीं है, क्या रहे है? बाग फूल रखना, बाग है हमारी जमीन पड़ी है यहाँ पे, बाप में खेती कर रखी है हमने गुलाब की। तो इन खेती के बाद देखते हैं, रोज ढूंढते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। आप ऐसे मिलते थे? तो गाइस मुझे रोज मिल चुका है, अब मैं करूँगी शूट। और रोज यहाँ पे सीपी में लूटू तो बैठी हुई है, यहाँ पे इनने कुछ भी अच्छा नहीं करके दिया इसमें, मतलब जो वाइट वाइट लगाते हैं। मैं ठीक है, शूट के लिए चाहिए तो काम आ गया। और हमें लास्ट मोमेंट में मिला ना अंकुश, मिल गया, यही बड़ी बात है। ताऊ जा रहा था दुकान बंद करके। हाँ ना, तो अंकल जा रहे थे दुकान बंद करके, इस बेचारी ने कब मिला। ये कह रहे रुक, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू का इतना फेंको। वो पैरों में पड़ने को तैयार हो गया, गुलाब दे दो मुझे। मैं तो पैरों में, मैंने ये सोचा था नहीं बनानी, सही नहीं मिला, अब क्या करूँ। अच्छा गुलाब नहीं मिलता, फिर इसको किस चीज से रिप्लेस करती? फिर नहीं बनाती मैं वीडियो, गुलाब से ही बनाती। हाँ, गुलाब गोभी का फूल भी चल जाता नहीं? अरे वो तो सब्जी के लिए फायदा है, तो काम आ जाता ना, जिसको देती बेचारा घर जाके सब्जी बना लेता। नहीं नहीं, अभी ये मतलब अम्मी देगा तानी को रोज, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत प्यारा है, तो मुझे बनाना है। और चलो मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू सो मच, आई लव यू। आई लव यू टू। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये तानी ने दिया अमित को। अरे चलो आगे। तो गाइस मैं देव को दूंगी रोज, और देव अभी आ ही रहे टूटा फूटा, बट ये शूट का है, आधे बिजी था तो हमने कोई सेलिब्रेट नहीं किया, बट हम कल करेंगे। बहुत बिजी था आज देव इस वजह से, बट गिफ्ट तो मेरे पास कुछ है भी नहीं देने के लिए, तो चलो मिलती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे, सॉरी।